हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R। मतलब पूरे ही इंटरवल नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग, वो हमें प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, कर देंगे। देखो, वी हैव f(x) = x³ - 3x² + 3x - 100। अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'x हमारा क्या हो जाएगा, 3x² - 6x + 3। आप जानते हो, बराबर, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन निकालू तो ये कुछ ऐसा बचेगा, x² - 2x + 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3। इसको मैं सही से लिखू ना तो x - 1² भी लिख सकता हूँ। तो अब सोचो, ये f'x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसकी साइन किस पे डिपेंड करती है, x - 1 पे, और उसका तो होल स्क्वायर है। मतलब वी नो दैट x - 1² = always greater than 0। ये अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मेरा f'x जो है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स माय f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। अच्छा, इसको हम स्ट्रिक्टली ना लिखे, सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि इज इंक्रीजिंग ऑन R, बस, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा ऑलवेज, बराबर। तो इसकी वैल्यू जो है वो ये फंक्शन जो है f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन R। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 कुछ ऐसा है हमारे पास, ध्यान से समझना है इसको। क्या पूछा गया कि द इंटरवल इन विच y = x² - e^(-x) इज इंक्रीजिंग, इज करते चार ऑप्शन दिए हैं, हमको एक ऑप्शन ढूंढना है। देख लो, सिंपल, पहले तो मैं y लिख देता हूँ, मेरे पास y है x² * e^(-x). अब इसको मैं डेरिवेट करता हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से x² as it is, e^-x का e^-x, और -x का डेरिवेशन -, तो माइनस लगा दिया, प्लस e^-x as it is into x² का डेरिवेशन 2x। तो आप सब जानते हो कि अगर मैं x into e^-x दोनों में से कॉमन निकालू तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा -x, यहाँ पे बचेगा +2। अगर इसको ध्यान से लिखे तो x into e^-x ये हो जाएगा 2 - x, ठीक है, ये मेरा y'। अगर y' को 0 से इक्वेट करें तो हमें दो वैल्यू मिलेगी। देखो, इफ y'=0 देन x e^-x and 2 - x = 0। हमें पता है कि e^-x इज नेवर इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि या तो x = 0 होगा या 2 - x = 0 होगा। तो x = 0 एक पॉइंट पर है, ये दूसरा पॉइंट हो गया x = 2। अब ध्यान से समझना है कि x = 2, मतलब x की दो वैल्यू मिल गई है, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ पे। तो इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 2। अब दोनों के लिए आपको चेक करना है कि अगर इंटरवल मेरा, देखो मैं लिखता हूँ फॉर x belongs to 2 to infinite, ये इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू सोचो, ये तो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा e^-x, ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसका तो सोचना नहीं। इसका सोचो, 2 से बड़ा नंबर है कोई भी यहाँ पे डालोगे तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं इसको बता सकता हूँ मेरा y' जो है वो <0 हो जाएगा। That means f(x) is decreasing. किसके लिए है? Decreasing और to infinite. और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? Increasing का पूछा है, बराबर? Okay. तो
और एक इंटरवल के लिए सोचते हैं, x बिलोंग्स टू ये बीच वाला इंटरवल, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 0 टू 2। अब इसके लिए सोचो 0 टू 2 में क्या करना है कि 0 टू 2 वैल्यू अगर ली है अपने, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 0 नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे 0 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दैट डिनोट्स दैट y डैश इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू 2। लास्ट इंटरवल देख लेते हैं क्योंकि लास्ट भी जरूरी है, ये माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो आगे और लिखते कि फॉर x belongs to minus infinity to 0। Okay. इसके लिए अगेन एक बार y डैश को चेक करते हैं कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी के 0 के बीच में है, तो मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो, मतलब माइनस वन डाला सकते, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब y डैश जो डिक्रीजिंग हो जाएगा। y dash is less than 0, that implies that f of x is decreasing on minus infinite to 0, right? So हमें increasing सिर्फ एक ही interval के लिए मिला है 0 से 2, तो वो इधर से हमें check करके लिख देना है, 0 से 2 वाला जो interval है increasing। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू।